जगदीशन थान के सचिवन पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। उम्मीद है आप सब लोग खुश होंगे। हम इस समय तत्व और तत्सम शब्दों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो कि आपकी आगामी परीक्षाएं हैं। RORO है, आशावारण है, UPPET है, इन सभी की दृष्टि बहुत ही महत्वपूर्ण ये प्रैक्टिस MCQ हैं। और तत्व तत्सम में हमने आपको विस्तार से पढ़ाया है, हिंदी लेक्चर वीडियोज़ में हमने आपको विस्तार से वहाँ पढ़ाया है। लेक्चर वीडियोस वाली वीडियोस आप प्लेलिस्ट में जाकर के ज़रूर देखिएगा, इससे आप अध्याय को बहुत अच्छे से पढ़ना सीखेंगे, उसको समझना भी सीखेंगे। आइए हम MCQ की तरफ देखते हैं। आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1-5 वो भी काफ़ी अच्छी सीरीज थी, लेकिन वो आप देख लीजिएगा, मैंने डाल दी है। आइए ये भी क्वेश्चन देखते हैं, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ये आपको लिखे हुए केवल 5 क्वेश्चन दिख रहे हैं, 6-10, लेकिन ऐसा नहीं है, यहाँ से ही आप कम से कम यहाँ से ही 20 क्वेश्चन बनने की संभावना रहेगी। आइए हम देखते हैं कैसे। पहला आपका क्वेश्चन है, पंसारी का तत्सम होगा। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे ये बन सकता है कि पंसारी शब्द कैसा है, ये तत्व होगा या तत्सम होगा। तो एक बार जान लीजिए, पंसारी आपका कौन सा शब्द होगा, ये आपका तत्व शब्द है। अब दूसरा क्वेश्चन ये पूछ लेगा, मान लीजिए बर्तनी में आया और आपसे पूछा निम्नलिखित में से शुद्ध बर्तनी किसकी है, क्योंकि पंसारी एक सार्थक शब्द है, उसका एक अर्थ निकल रहा है, लेकिन इसका जो तत्सम होगा उसका भी एक सार्थक अर्थ निकल रहा है। ऐसे में बर्तनी से भी क्वेश्चन आने की संभावना होती है, तो आप सोच करके देखिएगा इसका तत्सम क्या होगा। ऑप्शन ए है आपका पुण्यशालिक, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन आपका डी है। इसमें आप काफ़ी ध्यानपूर्वक पढ़ेंगे, हमने ऑप्शन ऐसे सेट किए हैं ताकि आप बोलें लगे कि सब कुछ समान है। ऐसे में क्या करें कि अगर आपको ठीक से पता है तभी आप इसको अच्छे से कर पाएंगे, इसलिए हमने आपको पढ़ाया है, तो पढ़ाने वाले लेक्चर वीडियो को आप ज़रूर देखिएगा। इसमें देखिए ये भी नहीं होगा सही, देखिए ये होगा पंडशालिक। पंसारी का तत्सम क्या होता है, पंडशालिक होता है। और आप ऑप्शन में देख पा रहे होंगे बहुत छोटे छोटे से हमने क्या किया, शुद्धि कर दी हैं, और यहाँ पर देखिए बिल्कुल सही है। ऐसे में अगर परीक्षा में अगर आप ठीक से पढ़ के नहीं जाएंगे, समझ के नहीं जाएंगे, तो गलती होने की 100% संभावना रहेगी, क्योंकि हम सभी जानते हैं परीक्षा में एक समय होता है, उस समय के अंदर ही हमें प्रश्न को हल करना होता है। ऐसे हम बहुत ज़्यादा सोच भी नहीं पाएंगे कि हर क्वेश्चन में हम कम से कम 2 मिनट सोच पाएँ क्या सही होगा, कैसे सही होगा, क्यों सही होगा। ऐसे में ज़रूरी है कि आपको पता हो, ऑब्जेक्टिव में तो आपको पता होना ही चाहिए, नहीं तो फिर क्या होगा कि आप हमेशा गलत कर देंगे। आगे हम देखते हैं कलेवा का तत्सम क्या होगा। आपके सामने ऑप्शन ए है कसेलेवा, ऑप्शन बी कलेवर्त, ऑप्शन सी कलेवर्त, ऑप्शन डी। ये देखिए सबसे पहले ये जान लीजिए कलेवा शब्द कैसा है, कलेवा एक तद्भव शब्द है, इसका तत्सम क्या होगा, इसमें आपका ऑप्शन नंबर बी राइट ऑप्शन हो जाएगा, कलेवर्तन। हमेशा ध्यान दीजिएगा, यहाँ देखिए कहीं हमने मात्राओं में कहीं गड़बड़ी कर दी है, कहीं हमने इसको कैसे सेट किया है, ठीक ऐसे ही एग्जाम में क्वेश्चन सेट होते हैं और गलत होने की संभावना रहती है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इस टाइप के क्वेश्चन आपके बनेंगे, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, ये आप जान लीजिए कैसे कहाँ पे कैसे कैसे मिस्टेक हो सकती है। आगे फिर से हम देखते हैं कि तकड़ी और बढ़ई शब्द हैं, कैसे शब्द हैं, आखिर में देखिएगा तद्भव तत्सम ऑप्शन बी है, तत्सम तद्भव ऑप्शन सी, तत्सम तत्सम ऑप्शन डी है, तद्भव तद्भव। आपके सामने देखिए मतलब ये है कि क्या तत्व और तत्सम मतलब क्या ककड़ी तद्भव है और बढ़ई तत्सम है, या फिर ककड़ी आपका तत्सम है और बढ़ई आपका तद्भव है, या फिर ये दोनों तत्सम है और या फिर ये दोनों ही तद्भव शब्द हैं, ठीक है, ये आपके ऑप्शन हैं। आपके हिसाब से क्या होगा आप मैं ज़रूर बताइएगा, और
एक पेपर में लिखकर साइन कर दें तो बहुत अच्छी बात है, या फिर नीचे कमेंट बॉक्स में कोशिश करते हैं कि क्या आपका आंसर सही होता है आपका नहीं होता है। तो आइए देखते हैं, ककड़ी और बढ़ई ये दोनों आपको तद्भव शब्द हैं। आसन बड़ी तद्भव और तद्भव। ककड़ी का आपका खटखटी होगा और बढ़ई का क्या होगा हमें आप कमेंट में बताइएगा। बढ़ई का तत्सम शब्द क्या होगा हमें आप कमेंट में बताइएगा। हमने जब पढ़ाया है चैप्टर लेक्चर वीडियो में तो वो सत्सम वहाँ पर हमने आपको ये दोनों बताए हैं और लगभग कितना बोर्ड पर लिखा लगभग सब बताया है, तो वहाँ पर आप पढ़िएगा। बहुत सारे शब्द हमने डिस्कस किए हैं जो काफ़ी मतलब यूनिक यूनिक वर्ड हैं, तो इस वजह से आप पढ़िएगा और टर्न बताइएगा कि ककड़ी का और बढ़ई का दोनों का तत्सम क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, चबूतरा का विलोम क्या होगा। गांव में बनाते हैं ना पेड़ के पास चबूतरा बनाते हैं, बैठने के थोड़ा सा ऊंचा स्थान करना चबूतरा बना हुआ है। चबूतरा शब्द कैसा है पहले बात जान लीजिए। चबूतरा कैसा है यह आपका तद्भव शब्द है। तद्भव का मतलब ऐसे शब्द जो मिलावट का शिकार हो गए हैं, शुद्ध भाषा से थोड़ा सा अलग हट करके हो गए हैं। शुद्ध भाषा क्या संस्कृत है, तो लगभग शुद्ध भाषा जो होती है जो वहाँ के शब्द होते हैं रस्म होते हैं जो मिलावट के द्वारा हो गया या आम बोलचाल की भाषा में थोड़ा सा बिगड़ गए, दही था दही हो गया ठीक है। और जैसे कि आपका चबूतरा था तो पहले क्या था चतवाल था, इसके ऑप्शन देखिएगा चबूतरा का चतवाल, ऑप्शन बी चतवार, ऑप्शन सी चतुस्वार, ऑप्शन डी चतवाल। इसमें आपका राइट क्या होगा चतवाल हो जाएगा। आगे फ्रेंड देखते हैं मक्खन का तत्सम क्या होगा। वो मक्खन जो हम लोग खाते हैं स्वीट ब्रेड बना करके तो कच्चे दूध से निकालता है उसको मक्खन कहते हैं, जो कि आपका कैसा शब्द है तद्भव शब्द है। और इसका तत्सम क्या होगा सोचे देखिएगा। ऑप्शन ए मृषण, ऑप्शन बी, ऑप्शन ए मृक्षण, ऑप्शन बी मृषण, ऑप्शन सी मृषण, ऑप्शन डी मृक्षण। आप सोचिए देखिए इसमें क्या सही होगा। तो देखिएगा ध्यान दीजिएगा ऑप्शन ए वृक्षण आपका बिल्कुल राइट सही हो जाएगा। इसमें ये आपका सही ऑप्शन होगा, तो हमेशा देख करके टिक करिए। आप ये जो हमने ऑप्शन लिख रखे हैं तो ये बहुत ही आप तरीके से संदेह प्रस्तुत करते हैं कि क्या सही होगा क्या नहीं सही होगा। ऐसे में ध्यानपूर्वक पढ़ करके ही क्वेश्चन को सॉल्व करिएगा। थैंक यू, अपना ख्याल रखिएगा और लेक्चर वीडियो में आप जरूर देखिएगा कि हमने क्या पढ़ाया है। इसके अलावा एंशियंट हिस्ट्री को भी हमने विस्तार से वहाँ पढ़ा रहे हैं, लगभग 16 वीडियो हमने अपलोड किए वहाँ पे। इसके अलावा प्रैक्टिस एमसीक्यू भी कराए हैं, हड़प्पा के कराए हैं, पाषाण काल के कराए हैं, तो वो भी आप ज़रूर देखिएगा। इसके अलावा जाते जाते क्या करिएगा मेरे को सब्सक्राइब करिएगा और शेयर भी करिएगा। इससे क्या होगा मान लीजिए हमने वीडियो डाली तो आप तक क्या हो जाएगा नोटिफिकेशन आ जाएगा, तो आप वीडियो को तुरंत देख पाएंगे या थोड़ी देर बाद देख पाएंगे। आपको बार बार चैनल को सर्च नहीं करना पड़ेगा, तो क्या करिएगा सब्सक्राइब बटन दबाइएगा, एक बेल बनी हुई थी उसको भी प्रेस करिएगा। तो इससे कोई नुकसान नहीं होता है, कोई फीस नहीं कटती है, आप पे कोई इन्फॉर्मेशन मेरे तक नहीं आती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है, आप बिल्कुल सेफ होते हैं। तो हमेशा क्या करिए सब्सक्राइब कर लिया करिए और बेल आइकन को प्रेस करिएगा। थैंक यू, आपका कोई सुझाव है आपकी कोई राय है तो मैं आप कमेंट करिएगा, आपको हम बताएंगे और आपके सुझाव को कोशिश करेंगे कि अगर अच्छा है तो उसको लागू भी करेंगे। थैंक यू, पढ़िएगा आगे बढ़िएगा और जो है कि कोशिश करिएगा ये क्वेश्चन आप मेरे बताने से पहले कोशिश करिए कि आप आंसर सोचें कि क्या सही होगा। थैंक यू।